नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ, मुफ्ती जींस आईपीओ, हैप्पी फोर्जिंग आईपीओ, इनोवा कैपटेप आईपीओ का क्या लेटेस्ट ग्रेड मार्केट प्रीमियम चल रहा है और यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है और मार्केट में आपका मेन बोर्ड आईपीओ क्या क्या रहने वाले हैं जो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और कौन सा ऐसा आईपीओ रहने वाला है जिसमें आपको अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिल रही है और जिसमें आप अप्लाई करते हैं तो आपको पैसे डबल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को बड़े विस्तार से इस वीडियो में देखने को मिलेगा और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आपके चैनल पर वीडियो में बने रहें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक है मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इनोवा कैपटेप आईपीओ के विषय में तो आप देख सकते हैं इसका जो आईपीओ है मार्केट में आपका ये 21 दिसंबर। बात करें इसका इंपॉर्टेंट डेट्स की तो आप देख सकते हैं कि इसका जो अलॉटमेंट है आपको 27 दिसंबर के दिन रखा गया है और इसका जो रिफंड का जो डेट है आपको 28 दिसंबर के दिन होता हुआ दिखेगा और आपको यदि इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल जाता है तो 28 दिसंबर के दिन ही आपको जो डीमेट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि अभी जो आपका न्यू रूल के अनुसार जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था T+3 दिन के अंदर ही आपको T+3 में सारा आपको लिस्टिंग होते हुए आपको दिखेगा और इसका जो लिस्टिंग है आपको 29 दिसंबर के दिन होता हुआ दिखेगा जो कि आपका शुक्रवार का दिन है। और दोस्तों जो इसका प्राइस बैंड रखा गया है आपको 426 रुपये से 448 रुपये के बीच होता हुआ आपको दिखेगा और इसमें जो आपको एक लॉट में 33 शेयर होने वाले हैं। और अगर इस आईपीओ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फुल आईपीओ है आपको 570 करोड़ का होता हुआ दिखेगा जिसमें आपको फ्रेश इशू 320 करोड़ का और आपका ऑफर फॉर सेल 250 करोड़ का होता हुआ दिखेगा। और इसकी लिस्टिंग की बात करें तो आपको BSE और NSE दोनों पे इसकी लिस्टिंग होती हुई आपको दिखेगी। तो आप देख सकते हैं कि यदि आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 14,784 रुपये का रिक्वायरमेंट पड़ेगा और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी से 30 लॉट लगा सकते हैं जिसके लिए आपको 1,92,192 रुपये का रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा और आप स्मॉल एच एन आई कैटेगरी से 14 लॉट और आपका मैक्सिमम आप 67 लॉट लगा सकते हैं। दोस्तों यदि प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका शेयर आने से पहले मार्केट में लिस्ट होने से पहले 66.85 देखने को मिल रहा है और उसके बाद इसमें कितना होगा आपको इसमें शो नहीं किया हुआ है, इन्होंने आपने अभी तक बताया नहीं है। और दोस्तों बात करें आपका ये मेनली कंपनी क्या है तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी जो आपको काम करती है मेनली आपका दवा बनाने वाली एक कंपनी है तो आप बोल सकते हैं कि आपका एक फार्मा का एक कंपनी होता हुआ दिखेगा जो आपका टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल्स हो गया, ड्राई सिरप हो गया, ड्राई पाउडर हो गया, इंजेक्शन, इन सारी चीज़ों को बनाती है जिसमें आपको इनकी डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो आप अराउंड अराउंड इनका 5,000 के ऊपर इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कम से कम 1.5 लाख के ऊपर इनका आपका रिटेल फार्मेसी देखने को मिलेगा और इनका जो आपका प्रोडक्ट्स है आपको 20 से ज़्यादा आपको कंट्री में इनका सप्लाई होता हुआ दिख रहा है। और बात करें इनके जो इनका कस्टमर बेस है और दोस्तों बात करें जो मार्केट में वेल लिस्टेड जो कंपनियां हैं जिसमें आपका सिप्ला हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, मेनकाइंड फार्मा हो गया, अजंता फार्मा हो गया और भी आपका लुपिन हो गई, इसमें से बहुत सारी कंपनी इनके आपका कस्टमर भी हैं। दोस्तों यदि फाइनेंशियल की बात की जाए तो देख सकते हैं कि यहाँ तो जितने भी इनका फाइनेंशियल दिया हुआ है आपका ईयरली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। यदि बात करें मार्च 21 में तो 370 करोड़, मार्च 22 में 575 करोड़ और मार्च 23 में 705 करोड़ देखने को मिल रहा है और करंटली आपको जून क्वार्टर में 1086 करोड़ का इन्होंने आपका एसेट जनरेट किया है। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि 412 करोड़, 803 करोड़, 935 करोड़ और जून क्वार्टर में 235 करोड़ का अराउंड देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देख सकते हैं 35 करोड़, 63 करोड़, 67 करोड़ और जून क्वार्टर में अराउंड अराउंड 18 करोड़ देखने को मिल रहा है। और इनके हाथों में रिजर्व एंड सरप्लस भी ठीक ठाक है जो आपको लेटेस्ट देखने को मिल रहा है जो कि आपको 317 करोड़ का। और बोरिंग की बात करें तो बोरिंग आपको 4441 का देखने को मिल रहा है और इस कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो देख सकते हैं कि आपको 2563 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इसकी पी की बात करें तो 31.64 की पी पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अगर बात करें इसका ROCE की तो आप देख सकते हैं कि ROCE की बात करें तो 22.61 और ROE की बात करें तो अराउंड 25 के आसपास देखने को मिल रहा है और डेट इक्विटी रेशियो 0.85 और EPS की बात करें तो 14.16 देखने को मिल रहा है जो कि आपको काफ़ी और अच्छा ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करें कि मार्केट में आखिर इस कंपनी इस आईपीओ को लेकर आना क्यों चाहती है तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसका जो ऊपर जो उसका जो डेट है उसको फुली और पार्शली पे करना चाहती है और आपका जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी इस आईपीओ को लेकर आ रही है ताकि जो फंड रेज करके इसका भी
उस पैसे को इस्तेमाल किया जाए और जनरल कॉरपोरेट पर्पज से भी इस पैसे को इसमें इस्तेमाल करने वाली है। तो दोस्तों ये तो इसका हो गया कि दोस्तों बात करें इनोवा कैपटेप आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डाटा की, तो आप देख सकते हैं कि जब तक ये वीडियो आप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस हम देखते हैं कि शाम के अराउंड 4 बजे के आसपास इसका जो आपका सब्सक्रिप्शन डाटा देखने को मिल रहा है अराउंड 53 टाइम्स देखने को मिल रहा है ओवरऑल, जिसमें आपको क्यूआईबी की तरफ से देख सकते हैं कि शानदार 112 टाइम्स और आपका रिटेल की तरफ से 16.34 और आपका एचएनआई की तरफ से 60.87 के अराउंड इतना आपको टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी तक जो आपका आईपीओ जो शानदार आपका सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें इस आईपीओ के रिगार्डिंग, आप देख सकते हैं कि 570 करोड़ के अराउंड इसका आईपीओ का साइज था और अभी तक आपको इसमें 21,327 करोड़ के आसपास इसमें रुपया लग चुका है। कि कंपनी करती क्या है, मोटा मोटा आपको समझ में आएगा कि कंपनी आपका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि आपको दवाई मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, इसे क्लाइंट भी अच्छे हैं और इसका कारोबार भी ठीक ठाक चल रहा है। तो दोस्तों अब बात करिए यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई किए हुए हैं तो आपको अभी के अनुसार कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों इसके जीएमपी पे नज़र डालते हैं। दोस्तों बात करें इनोवा कैपटेप आईपीओ के जीएमपी की, तो आप देख सकते हैं इसका जो जीएमपी 115 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इस आईपीओ का जो अपर प्राइस बैंड आपको 448 रुपीज़ है। दोनों को ऐड करने के बाद आपको 563 रुपये निकल के आता है। इन परसेंटेज गेन की बात की जाए तो आपको 25 से 26% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसके जीएमपी की बात की जाए तो इसका जीएमपी ने आपका 211 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखा है। वहीं इसकी लोवी जीएमपी की बात करें तो इसने आपको 0 रुपये का इसने लोवी लगाता हुआ दिखा है। तो चलिए दोस्तों इसके यदि इसके जीएमपी में कोई भी अप एंड डाउन देखने को मिलता है आपको जल्द से वीडियो के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करें हैप्पी फोर्जिंग लिमिटेड आईपीओ के विषय में, तो आप देख सकते हैं यदि आप इसमें अप्लाई किए होंगे तो अभी तक आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल चुका होगा और आप यदि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को नहीं मिला होगा तो आपको रिफंड भी आपके अकाउंट में अभी तक आ गया होगा। तो दोस्तों इसका जो आपका जो लिस्टिंग का जो डेट रखा गया है आपको 27 दिसंबर के दिन रखा गया है और इसका जो आपको रिफंड का जो डेट है आपको कल का दिन आता हुआ दिखेगा और इसका जो अलॉटमेंट है आपको 22 दिसंबर का दिन था जो कि आपको निकल गया। तो दोस्तों यदि आप इसमें अप्लाई किए हैं और आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल चुका है तो और इसका जो अलॉटमेंट का मैसेज भी आ गया होगा, तो यदि आप चलिए इसमें देखते हैं कि आपको इसमें कितने की प्रॉफिट देखने को मिल रही है जीएमपी के अनुसार और इसका जीएमपी क्या चल रहा है और आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करें हैप्पी फोर्जिंग आईपीओ के जीएमपी की, तो आप देख सकते हैं इसका जो जीएमपी 230 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इस आईपीओ का जो अपर प्राइस बैंड है आपको 850 रुपये का, दोनों को ऐड करने के बाद आपको 1,080 रुपये निकल के आता है। इन परसेंटेज गेन की बात की जाए तो आपको 27% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसकी जीएमपी की बात की जाए तो इसके जीएमपी ने 460 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखा है। वहीं इसको लोवी जीएमपी की बात करें तो इसने आपका 0 रुपीज़ का इसने लोवी लगाता हुआ दिखा है। तो दोस्तों आपके चैनल पर वीडियो में बने रहें, यदि इसके जीएमपी में कोई भी अप एंड डाउन देखने को मिलता है आपको जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली मेंबर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता है कि उन्हें भी कुछ प्रॉफिट देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करें आरबीजेड ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ के विषय में, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो इंपॉर्टेंट जो अगर डेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यदि आपने इसमें अप्लाई किए होंगे तो आपको फ्राइडे के दिन 22 दिसंबर को इसका जो आपको अलॉटमेंट आता हुआ दिखा होगा और इसका जो यदि आपको इसमें अलॉटमेंट नहीं हो पाया है तो अगर आपको इसमें रिफंड देखने को नहीं मिला है तो आपको 26 दिसंबर कल के दिन आपको रिफंड आता हुआ दिखेगा और मार्केट में जो इसका लिस्टिंग का जो डेट रखा गया है आपको 27 दिसंबर के दिन होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों आप इसमें बिल्कुल ही ना घबराएं, यदि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को नहीं मिला है तो आपका रिफंड कल के दिन आता हुआ दिखेगा और आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल गया है तो आपको 27 दिसंबर के दिन आपको इसमें लिस्टिंग देखने को मार्केट में मिलेगी। तो चलिए ये तो हो गया इसका इंपॉर्टेंट डेट्स। अगर बात करें इसके जीएमपी की तो चलिए देखते हैं इसका जीएमपी क्या चल रहा है और यदि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिला है तो आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करें आरबीजेड ज्वेलर्स आईपीओ के जीएमपी की, तो आप देख सकते हैं जो जीएमपी है आपको 0 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इस आईपीओ का में आपको कोई भी देख सकते हैं इसका जीएमपी में कोई भी अप एंड डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यदि आप इसमें अप्लाई किए हुए हैं और तो आपको देख सकते हैं कि इसमें आपको नेगेटिव में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। यदि लिस्टिंग डे वाले दिन यदि मार्केट में पॉजिटिविटी बन रहती है तो आपको 5 से 10% का प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि यदि आपको इसमें 0 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है तो आपको इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा और आपको इसमें लॉसेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप भी पॉजिटिव रहें और उस दिन का वेट करें, देखिए कुछ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आईपीओ जीएमपी पे नज़र डालते हैं यदि आप उसमें अप्लाई हुए हैं तो क्या कितने के प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करें क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड आईपीओ के विषय में, तो देख सकते हैं इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है आप देख सकते हैं कि इसका जो अलॉटमेंट डेट है आपको निकल चुका है जो कि आपको 22 दिसंबर को होता हुआ आपको दिखा होगा और आपको यदि इसमें अलॉटमेंट देखने को नहीं मिला है तो आपके जो पैसे हैं या तो आ चुके होंगे और अभी तक नहीं आए हैं तो आपको 26 दिसंबर के दिन आ जाएंगे
और इसका जो मार्केट में जो लिस्टिंग डेट रखा गया है आपको 27 दिसंबर बुधवार के दिन होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों यदि आप इसमें अप्लाई किए हैं और आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिला है तो चलिए देखते हैं कि अभी के अनुसार आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है और इसका भी GMP क्या चल रहा है। दोस्तों बात करें मुफ्ति जींस IPO को GMP की, तो आप देख सकते हैं इसका जो GMP आपको 80 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इस IPO का जो अपर प्राइस बैंड है आपको 280 रुपये का, दोनों को ऐड करने के बाद 360 रुपये निकल के आता है। इन परसेंटेज यदि गेन की बात की जाए तो आपको 28-29% का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसके GMP की बात करें तो इसके GMP ने 145 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखा है, वहीं इसकी लोवे GMP की बात करें तो इसने आपको 0 रुपये का इसमें लो भी लगाता हुआ दिखा है। तो दोस्तों आपके चैनल पर वीडियो में बने रहें, यदि इसके GMP में कोई भी अप एंड डाउन देखने को मिलता है तो आपको जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी कुछ प्रॉफिट देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट IPO को GMP पे नज़र डालते हैं, यदि आप उसे अप्लाई करना चाहते हैं तो कितने के प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करें आज़ाद इंजीनियरिंग IPO के इंपॉर्टेंट डेट्स के विषय में तो आप देख सकते हैं कि इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं जो इसका अलॉटमेंट है आपको 26 दिसंबर के दिन आता हुआ दिखेगा और इसके जो रिफंड की बात करें तो आप देख सकते हैं जो इसका रिफंड है आपको बुधवार 27 दिसंबर के दिन होता हुआ दिखेगा और मार्केट में जो इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है आपको 28 दिसंबर के दिन होता हुआ दिखेगा। और दोस्तों बात करिए यदि आप इसमें अप्लाई किए हुए हैं तो आप कल का इसमें वेट करें, कल आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है कि इसमें अलॉटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। और दोस्तों बात करें कि यदि आप इसमें अप्लाई किए हुए हैं तो अभी के अनुसार आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो चलिए इसके GMP पे नज़र डालते हैं। दोस्तों बात करें आज़ाद इंजीनियरिंग IPO को GMP की, तो आप देख सकते हैं इसका जो GMP 285 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इस IPO का जो अपर प्राइस बैंड है आपको 524 रुपये का है, दोनों को ऐड करने के बाद आपको 809 रुपये निकल के आता है। इन परसेंटेज यदि गेन की बात की जाए तो आपको 54-55% का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इसकी GMP की बात की जाए तो इसके GMP ने 440 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखा है, वहीं इसकी लोवे GMP की बात करें तो इसने आपको 0 रुपये का इसने लो भी लगाता हुआ दिखा है। तो अभी चैनल पर वीडियो में बने रहें, यदि आपके GMP में इसमें कोई भी अप एंड डाउन देखने को मिलता है आपको जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। और दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो और आपका इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको देखने को मिलता रहे। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।